नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं आप सभी को एशिया का सबसे महंगा घर एंटेलिया हाउस, मुकेश अंबानी जी का एंटेलिया हाउस का गणपति विसर्जन। किस तरह से वहां का काफिला रहता है, किस तरह वहां पे ढोल वोल बजाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। भाई साहब, बहुत से लोगों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहते हैं कि एशिया का सबसे महंगा घर यानी मुकेश अंबानी जी का घर का जब गणपति विसर्जन होता है तो वहाँ का नज़ारा कैसा रहता है, उनका घर किस तरह से सजाया जाता है, ये सारी चीज़ें आप सभी को इस वीडियो में अभी दिखाएंगे। फिलहाल मैं अभी हूँ अपने कारखाने पर, मैं जिधर जॉब करता हूँ, और आज शाम को गणपति विसर्जन होने वाली है तो चलेंगे और वहाँ का पूरा नज़ारा दिखाएंगे। पेडल रोड में स्थित है एंटेलिया हाउस, और साथ ही साथ एंटेलिया हाउस का भी नज़ारा दिखाएंगे कि एंटेलिया हाउस किस तरह से सजाया गया है गणपति के उत्सव पे। तो आप सभी को पता ही होगा मुंबई का जो गणपति का उत्सव है काफ़ी जोरों शोरों से मनाया जाता है, तो डेढ़ दिन का जो विसर्जन रहता है वो गणपति जी का और मुकेश अंबानी जी डेढ़ दिन का करता है। दोस्तों, मैं फाइनली आ चुका हूँ एंटेलिया हाउस के सामने। आप देख सकते हो यहाँ पे एंटेलिया हाउस को किस तरह से सजाया गया है। ये जो रोड देख रहे हैं जगमगाती हुई, ये लाइटों से सजाया गया है। ये जो लाइट है बाहर गांव से मंगाया गया है। चलिए मैं लेके चलता हूँ एंटेलिया हाउस के सामने और दिखाता हूँ वहाँ का दृश्य कैसा है। आप देख सकते हो यहाँ पे पड़ाका, जो गणपति जी का मूर्ति निकलेगी उस समय स्वागत में पड़ाका फोड़ा जाता है। भाई यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से पड़ाका का ढेर लगी हुई है, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ घर का आगे का किस तरह से दृश्य है। दोस्तों, आप ये दृश्य देख सकते हो, उनके घर के बाहर का ये दृश्य है। गणपति जी की जो मूर्ति है वो देख सकते हो आगे गाड़ी में जा रही है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ किनारे किनारे और दिखाता हूँ यहाँ का दृश्य कैसा है, कितना करोड़ रुपए खर्चा किया है। देख सकते हो लाइटिंग वगैरह का, और ये जो बाजा वाजा मंगाया गया है बजाने वाला, काफ़ी ज़्यादा महंगा खर्चा किया है। भाई आइए मैं लेके चलता हूँ नज़दीक और दिखाता हूँ पूरा दृश्य आप सभी को।
दोस्तों अभी के लिए बस फिलहाल इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। मैंने आप सभी को पूरा विसर्जन का वीडियो दिखाएं, किस तरह से वहाँ का दृश्य था ये दिखाएं, और कितना ज़्यादा पैसा खर्चा किया होगा भाई वो आप देख करके ही समझ गए होंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो में। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।